सो एक घर ऐसा जो हो आपके सपनों का, तो यार वो देना तो हमें आपको बनता ही बनता है। एक घर लेकर आया आज आपके लिए 100 गज का, जो कि सपनों के महल से नहीं है कम, क्योंकि इसके घर के अंदर से आपको स्टेयर्स मिलने वाली है। 100 गज के अंदर आपको स्टेयर्स घर के अंदर ही मिल रही है, एंड पूरा टॉप तक, मतलब पूरा जहाँ का टेरेस है वहाँ तक आपको ये सारा का सारा काम देखने को मिलेगा घर के अंदर। इंटीरियर वर्क, स्टेयर्स आपकी ऊपर तक है, बहुत कमाल का ये घर है। एलिवेशन आप देखिए यार, इस घर का एलिवेशन कितना कमाल है, मतलब बहुत सुंदर एलिवेशन है इस घर का। तो साइज मैंने बता दिया है 100 गज। आज जो आपको लेकर आए हैं, आज हम लेकर आए हैं आपको सेक्टर 124 सनी इनके मोहाली के अंदर। बाहर आप देख सकते हैं, इधर आप ग्रीनरी मेंटेन करिए, नहीं तो पार्किंग आप इधर कर सकते हैं। आइए उसके बाद दिखाते हैं आपको पार्किंग के लिए स्पेस। ग्रीनरी काफी अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है, यहाँ पे आपकी एक छोटी गाड़ी आराम से आ सकती है। उसके बाद इधर आप देखेंगे यहाँ पे भी काफी अच्छा स्पेस छोड़ा गया है, आप टू व्हीलर वगैरह पार्क कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर तो आपकी एक गाड़ी आ जाएगी, टैप्स इधर है, तो आपका ऑलमोस्ट काम काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है। आपको कोई काम कराने की जरूरत नहीं होगी, इस घर के अंदर सारा काम आपको करके मिलेगा। बर्तन और कपड़े लेके आने हैं बस, और आपका फर्नीचर, दैट्स ऑल। चलते घर के अंदर, आ जाइए। तो अब हम आ चुके हैं घर के अंदर, एंड घर के अंदर आते ही यार आप खुद देखने वाले हैं कि इतना ज्यादा खूबसूरत एक तो इंटीरियर है, उसके ऊपर से लेआउट बहुत अच्छा है, स्पेस काफी ज्यादा अच्छा छोड़ा गया है घर के अंदर, अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। मतलब इस घर को देख के लग रहा है कि 100 गज में भी ना काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है हमें। तो इंटीरियर वर्क में आप पहले देखिए, फॉल सीलिंग बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन की है, बैक वॉल पे काफ़ी अच्छा वॉलपेपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आपका ड्राइंग एरिया है। साथ ही में इधर आप देखेंगे तो इधर क्या बढ़िया से विंडो है, जिसको आप ओपन करेंगे एंड सीधा आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर स्लाइडिंग आपका ये विंडो आ जाता है इधर। यहाँ पे आपका टीवी पैनल है, बहुत ही अच्छा टीवी पैनल आपको देखने को मिल रहा है इधर। साथ ही में डाइनिंग की बात करें तो इस तरफ को डाइनिंग को प्लेस किया गया है, यहाँ पे आपका 4 सीटर डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है। अगर आप चाहे तो एक और आपका जो चेयर है इधर आ जाएगा, तो दैट मीन्स आपका 5 सीटर तो इजीली बन जाएगा। वैसे ये शोकेस मुझे लगता है नॉर्मली लोग जेन्युइनली बेड में या फिर सोफे वगैरह में बैठ के खाते हैं। और अब आपने नोटिस तो कर ही लिया होगा कि यार यहाँ से जो ये स्टेयर्स का डिजाइन देखने को मिल रहा है वो कितना सुंदर और कितना कमाल का है, वो तो है ही है। ऊपर से ले जाके मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी, 100 गज के अंदर ना ये काफी डिफरेंट लेआउट है आज तक की हमारी वीडियो के अंदर, 100 गज में मैं बोलना चाहूंगी इस बात को। पीछे आप देखेंगे इधर भी काफी अच्छा पूरा का पूरा आप देखिए ग्लास के साथ वर्क देखने को मिल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप पूरा बाहर का व्यू भी ले सकते हैं, तो ये पूरा इंटीरियर जो अंदर किया गया है वो काफी अच्छा, हम थोड़ी देर बाद जरूर दिखाएंगे आपको जब हम स्टेयर्स से जाएंगे ऊपर। साथ ही में इधर भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं, मतलब सिटिंग के लिए बना सकते हैं या जैसे भी आपको यूज करना है स्टेयर्स के नीचे वाला एरिया। अब उसके बाद चलते हैं ना आपके किचन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए, तो किचन कुछ इस तरीके से बनाई हुई है ताकि स्पेशियस भी लगे, एंड अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं तो इधर काम करने के दौरान मतलब विजिबिलिटी ना हो बिल्कुल भी, ड्राइंग उधर हो गया आपका, किचन इधर आ गया। यूजली कभी कभार कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गेस्ट बैठे हैं उनके सामने हम खाना बना रहे हैं, अच्छा नहीं लगता किसी किसी को, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से किया कि किचन भी साइड में हो गई, विजिबिलिटी भी नहीं हुई और आपने अपना काम भी कर लिया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई, है ना। अभी इधर देखिए, इधर आपका आएगा फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन के लिए स्पेस है, विंडो इस तरफ आपकी आ गई, बड़ी विंडो आ गई, बाहर का व्यू आपका बनेगा। साथ ही में इस तरफ को है, इधर आपका डबल सिंक इधर आ गया, यहाँ पे आपके यूटेंसिल्स इधर आ जाएंगे, यहाँ से आपने वॉश किया यहाँ पे आपने रख दिया। अब उसके बाद कैबिनेट्स तो यार आप देख ही सकते हैं काफी सारे हैं, हाइड्रोलिक कैबिनेट्स यहाँ पे लगाए गए हैं, चिमनी का स्पेस, नीचे आपका हॉप का एरिया, तो अच्छा स्पेस हमें एक हमारे इस किचन के अंदर देखने को मिल रहा है। कैबिनेट्स तो हमारे है ही है काफी सारे, जिनकी हमें जरूरत होती ही होती है किचन के अंदर, तो ये घर तो और साथ ही में ये किचन तो मुझे बहुत पसंद आया। अब बढ़ते हैं बेडरूम्स की ओर। देखिए ग्राउंड फ्लोर में बात करें हम, तो हमारा फर्स्ट बेडरूम हमें ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है, हमारा पहला बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर, बाकी के बेडरूम्स ऊपर दिखाएंगे। चलिए फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं, आइए।
तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ गया। मैं बोलना चाहूंगी बिल्कुल अच्छा स्पेस है बेडरूम के अंदर, जितना रिक्वायर्ड है, जितना होना चाहिए उतना है, ना उतना छोटा ना उतना बड़ा, बिल्कुल डिसेंट है। ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क है, साथ ही में इस तरफ को आपका टीवी पैनल आ गया, बेड भी बिल्कुल ठीक ठाक साइज का, मतलब किंग साइज नहीं बोलूंगी, क्वीन साइज है, नॉर्मल है बिल्कुल। साइड टेबल्स भी आ गए हैं इधर। यहाँ पे विंडो है, ये देखिए कमाल की विंडो इधर बना दी गई है, यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं पीछे आपके वॉशिंग एरिया में। वॉशिंग एरिया भी बहुत सुंदर है, मतलब घर बहुत अच्छा बनाया है और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। अब उसके बाद देखिए, आइए सीधा अटैच्ड वॉशरूम है। तो इधर ये आपका अटैच्ड वॉशरूम आ गया, इतना स्पेस आपका अटैच्ड वॉशरूम का है। साथ ही में वार्डरोब्स की रही बात, हमने देखा नहीं वार्डरोब्स, इधर इस तरफ को बनाए गए हैं वार्डरोब्स। सो इधर वार्डरोब्स भी आ गए, आप अपने आप को टॉप टू बॉटम भी देख सकते हैं, क्योंकि वार्डरोब में इधर आपका आ गया मिरर, पूरा फुल लेंथ मिरर है। एंड प्लस ये देखिए स्पेस, ये इतना स्पेस आपको मिल रहा है, ड्रॉर्स हैं, ऊपर भी कैबिनेट्स है, इधर तो स्पेस है ही है। तो ये आपका जो वॉशरूम है प्लस आपका वार्डरोब एरिया काफी। अब चलते हैं सीधा फाइनली स्टेयर्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे स्टेयर्स आ गए। मोस्टली ना कभी कभार ऐसा होता है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती होती है कि यार हमें ना डुप्लेक्स घर दिखाओ, अंदर से स्टेयर्स दिखाओ, अंदर से काफी ज्यादा डिमांड हो रही थी। आजकल घर बनते हैं सीधा बाहर के स्टेयर्स के साथ, जो चाहते हैं कि यार हम रेंट पे तो नहीं देने वाले हैं, हमें अपनी पूरी फील लेनी है, मतलब पूरा घर, मतलब पूरा विला वाली फीलिंग लेनी है। तो उनके लिए काफ़ी हमारे क्लाइंट्स हैं कि हमें बोलते हैं यार आप लोग ना प्लीज़ ऐसा घर भी बनाओ, प्लीज़ ऐसा घर भी हमारे लिए लाओ। तो एक ऐसा घर तो आ ही गया है, तो देख रहे हो ना, तो देरी आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि लिमिटेड ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये स्टेयर्स को करते हैं यूज़ एंड चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पे, आ जाइए। अब उसके बाद पहुँच चुके हैं सीधा आपके एक और सिटिंग एरिया में। ये आपका सिटिंग एरिया बेसिकली, जैसे आप स्टेयर्स से ऊपर आए तो इधर सिटिंग एरिया बना दिया गया है। बालकनी की रही बात, यहीं से आप सीधा ऊपर आपकी फॉल सीलिंग है। तो जैसे कि बालकनी की बात कर रहे थे हम, बालकनी की रही बात, तो इधर आपकी बालकनी आ गई। तो काम तो अभी जोरों शोरों से चल रहा है, कुछ वक्त में ये सारा एरिया डेवलप हो जाएगा। तो ये इतना बालकनी आपका आ गया। चलिए चलते हैं बेडरूम्स की ओर, चलिए यहाँ से शुरू करें। तो ये हमारा सेकेंड बेडरूम आ गया है इधर, ये देखिए क्या डिज़ाइन है यार, कितना मतलब डिसेंट, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, मतलब एक घर को जैसा होना चाहिए उसी तरीके से नज़र में आ रहा है हमें। ऊपर फॉल सीलिंग है, साथ ही में इधर टीवी पैनल है। वार्डरोब्स की रही बात, तो नीचे हमने देखा था वॉशरूम के अंदर बनाया था, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेडरूम के अंदर ही बना दिया गया है। तो इस तरफ को वार्डरोब्स हैं देखिए, और अच्छी स्पेस के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वार्डरोब्स छोटे से बना दिए यार, स्पेस ही नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से बनाए हैं कि स्पेस भी हो और आपके बेडरूम के अंदर उतना ज्यादा स्पेस मतलब कंज्यूम भी ना हो, बेसिकली उस तरीके से बनाया है। अभी ये बेडरूम तो हम देख ही चुके हैं, इसके साथ आपकी अटैच्ड बालकनी है, जो आपकी बैक बालकनी है, इसे एक्सेस आपका आएगा। साथ ही में अटैच्ड वॉशरूम इस तरफ है, ये देखिए यहाँ पे भी फुल हाइट की आपकी जो है टाइल लगी हुई है। वॉल सीलिंग इधर भी आपको देखने को मिलेगी, इधर आपका आ गया बेड स्पेस, एंड साथ ही में इस तरफ का आ गया आपका शावर एरिया। मतलब ऑलमोस्ट जो घर है ना, मतलब बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा बना है। 100 गज में ना मैं बोलूंगी एक सच में ड्रीम हाउस है ये, सच में ड्रीम हाउस। बढ़ते हैं इसके बिल्कुल थर्ड बेडरूम की ओर, जो कि इसके बिल्कुल साथ ही में है। तो यहाँ पर आ गया है ये थर्ड बेडरूम, ये देखिए ये भी बिल्कुल डिसेंट है, बिल्कुल डिसेंट बेडरूम बनाया गया है। ऊपर फॉल सीलिंग है, साथ ही में इस तरफ को आप देखेंगे तो टीवी पैनल इधर दिया गया है, यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं आपके बालकनी के अंदर भी। वार्डरोब्स की रही बात, तो इधर वार्डरोब्स बनाए हैं, ये देखिए पहले आपका वार्डरोब स्पेस आएगा। वार्डरोब स्पेस के आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है उस तरफ को आपका वैनिटी स्पेस, बेड एरिया, एंड देन उसके बाद इस तरफ को आपका आता है शार्ज। और आप चलते सीधा आपके छत की ओर, अब घर के अंदर से स्टेयर्स है तो मज़ा तो बहुत आएगा सीधा छत में आने का। ये देखिए इतना स्पेस आपका छत का आ गया, बहुत ही अच्छा स्पेस है यार, मतलब और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि और कितना ही स्पेस हमें मिलेगा। तो ये 100 गज का घर, मतलब आई मीन टू से ये 100 गज का सपनों का घर, आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट्स में तो ज़रूर बताइएगा। 100 गज का आज का ये घर था,
आपको लेकर आए थे हम सेक्टर 124 सनी इनक्लेव के अंदर मोहाली नियर टू चंडीगढ़। यहाँ पे तो आप हमारे इतने ऑप्शंस देखते हैं, वो क्यों? क्योंकि इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रही है। आने वाले टाइम में ये सारा एरिया मतलब लाइक फुल हो जाएगा, कुछ यहाँ बचने नहीं वाला। अगर आप हमसे आके बोलेंगे सनी में कुछ दिला दो, हम दिला ही नहीं पाएंगे, बट हम अभी ज़रूर दिला सकते हैं आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके सपनों का घर। तो अगर आपको पसंद आ रहा है ये घर, कुछ भी मतलब आपको लग रहा है कि यार देखने चल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, देखने के लिए चलते हैं, नीचे से आप लीजिए नंबर एंड जल्दी से हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस है। तो आ जाइए जल्दी से। बाकी मैं मिलती हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा।